दिल्ली के सड़कों पर चलने वाले लोगों का यह आम तजुर्बा है कि जब रेड लाइट पर सिग्नल का इंतजार किया जाता है तो कुछ सामान बेचने वाले बच्चे कार का शीशा खटखटाते हैं। खिलौना, रोमाल, कार सनशीट्स, मोबाइल चार्जर्स, कटी हुई ककड़ी और कच्चे नारियल बेचते हुए नजर आते हैं। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के पास खिलौने, गुलदस्ते भी बेचे जाते हैं। बहुत से लोग इनसे सामान खरीदते हैं। यह भी सुनने में आया है कि बहुत से लोग सामान खरीदने में धोखा के शिकार हो जाते हैं। एक शख्स एयरपोर्ट से लौट रहे थे। रेड लाइट पर सिग्नल का इंतजार करते वक्त उनकी कार का शीशा खटखटाया गया। बाहर देखा तो एक छोटा बच्चा नजर आया। उसकी उम्र 4 साल होगी। वो अपने हाथ में एक गुलदस्ता लिए हुए था। वो गुलदस्ता बहुत छोटा था, सिर्फ एक मोटे कलम की मानिंद। उसकी हिम्मत और हौसला ने मुझे शीशा नीचे करने पर मजबूर कर दिया। जब मैंने शीशा नीचे करने लगा तो मेरा साथी मुझे मना करने लगा। मैंने गुलदस्ता की कीमत मालूम की। उसने कहा सिर्फ 10 रुपए। मैंने 10 रुपए निकाल कर दिए और गुलदस्ता भी वापस करने की कोशिश की, लेकिन उसने गुलदस्ता लेने से इनकार कर दिया। वो अपने सीने की तरफ इशारा करने लगा और मुझे ये पैगाम देना चाहता था कि मुझे मेरी मेहनत की कमाई ही काफी है, मुझे भीख नहीं चाहिए। यह देखने के बाद मुझे शर्म महसूस होने लगी। यह तालीम उस बच्चे को किसने दी? लेकिन इसकी हालत से तो नहीं लगता कि उसने कहीं दीनी या कोई दूसरी तालीम हासिल की हो। आज के दौर में बहुत से तालीम याफ्ता लोग हैं। वो लोग ना हक दूसरे के सामान को कब्जा करने में लगे हुए हैं। मुझे लगा यह वाकया पढ़े लिखे लोगों के सामने रखूं। कुरान का इरशाद है, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل أيمان والو يهودي أحبار اور عیسائی راہبوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں سے بچائے آمین یا رب العالمین